नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास दो जूसर मिक्सर ग्राइंडर, एक सुजाता कंपनी का जीएमजी है जिसका कॉमर्शियल में बहुत यूज किया जाता है, आजकल घरों में भी इसका बहुत यूज हो रहा है। 900 वाट मोटर के साथ हैवी ड्यूटी और लॉन्ग लाइफ में इस जीएमजी का कोई सानी नहीं है। हैवल्स ने मार्केट में इस जीएमजी को उतार कर सुजाता जीएमजी को हर तरीके से टक्कर दी है। इसमें 900 वाट मोटर होता है तो इसमें 1000 वाट मोटर होता है। कंपनी दावा करती है कि 100 मिनट तक इसको कंटिन्यूअस रन कराया जा सकता है। 100% कॉपर वाइंडिंग है और 2 ईयर वारंटी में यह जीएमजी हैवल्स ने उतारी है। यह तकरीबन 10,500 एमआरपी का है और यह तकरीबन 8,000 एमआरपी का प्रोडक्ट है। इनकी जो एक्चुअल कीमत है वह भी आपको बताएंगे। और हमारे पास कुछ चुकंदर हैं जिसका रस निकालना हर एक मिक्सी के बस की बात नहीं होती। हल्दी हमारे पास है, हल्दी की पिसाई भी हम इनसे करके देखेंगे। इनका पूरा क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी टेस्ट आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम ऐसी ही टेक्निकल और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। पहले सुजाता की जीएमजी को अनबॉक्स करेंगे, फिर हैवल्स को करते हैं। यह है इसकी मैनुअल गाइड और वारंटी कार्ड है। वारंटी कार्ड में हम देख रहे हैं 1 ईयर वारंटी, लेकिन साथ में कंपनी ने कुछ दिशा निर्देश यहां पर दिए हैं। वारंटी इज नॉट वैलिड इफ दिस प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पज, यानी अगर इस मिक्सी को, इस मशीन को कॉमर्शियल यूज के लिए प्रयोग किया जाएगा, जैसा कि जूस निकालने वाले अपनी दुकान पर यूज कर लेते हैं, या किसी भी कॉमर्शियल पर्पज के लिए यदि इसका यूज किया जाता है तो इस मशीन की कोई गारंटी कंपनी नहीं देती है। बहुत ही अच्छी स्टील का यह ग्राइंडिंग के लिए एक जार इसमें दिया हुआ है और यह वह मशीन है। और अब हैवल्स के इस हैक्सो मॉडल को भी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। यह ऊपर ही इसका वारंटी कार्ड यहाँ पर दिया गया है और कंपनी ने ऑन साइट 2 ईयर वारंटी इसकी दी है और अंदर भी कई सारे बॉक्स हमें दिखाई इसमें दे रहे हैं। कुल मिलाकर 9 पीस में यह मिक्सी दी गई है। इसको असेंबल करके भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब आप इसको मिक्सर या ग्राइंडर की तरह यूज करेंगे तब आप इसका यह पीस इसके ऊपर रखेंगे और क्लॉक वाइज इसको आप घुमाएंगे। अब यह पीस मिक्सी के साथ सेट हो गया है। दो जार जो दिए गए हैं इनको इसके ऊपर रखकर उसी प्रकार क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो जार मिक्सी के साथ सेट हो गया है। अब आप इसमें अपने मिर्च मसाले, हल्दी या कुछ भी आइटम जो आपको ग्राइंड करना होता है आसानी से ग्राइंड कर सकते हैं। और जब हमको जूस निकालने के लिए इसका यूज करना होता है तो इसका यह पार्ट अलग रख देते हैं। तब आप इस पार्ट को मिक्सी के ऊपर रखेंगे, जिस साइड में जूस वाली नोब है उसके अपोजिट साइड में यह पीस लगाएंगे और अब हम इससे मौसमी, अनार, चुकंदर, गाजर ऐसे जूस निकाल सकते हैं जिनमें वेस्टेज निकलनी होती है। और जैसा कि साइज में आप देख ही रहे हैं कि हैवल्स की मिक्सी यहाँ पर हमको भारी लग रही है। दोनों के वेट करके भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले सुजाता की मिक्सी का वेट हम देख लेते हैं, अब हैवल्स मशीन को भी वेट कर लेते हैं। और हैवल्स मशीन का वेट आप देख रहे हैं 5 किलो 300 ग्राम हो रहा है। खाली को चलाकर इनके वाट चेक करूंगा और नॉइस चेक करने के लिए नॉइस मीटर भी मेरे पास है। चुकंदर का रस निकालेंगे, हल्दी पीस कर देखेंगे, अभी बहुत सारी टेस्टिंग बाकी हैं और देखते हैं कि क्या सुजाता का तिलिस्म यह हैवल्स की जीएमजी तोड़ पाती है या नहीं। तो पहले मैं हैवल्स की मिक्सी को ऑन करता हूँ और लोड मीटर में हम इस समय देख रहे हैं लगभग 480 वाट का लोड यह मिक्सी खाली में ले रही है और नॉइस लेवल इस समय हम 88 dB का देख रहे हैं। इस जीएमजी के जो आरपीएम हम देख रहे हैं 18,000 के आसपास आरपीएम चल रहे हैं। और अब यही टेस्टिंग सुजाता की मिक्सी के लिए भी वाट का खाली में इसका लोड है। इस मिक्सी का नुमाइश लेवल 85 dB है। आरपीएम मीटर में इस समय हम इस मिक्सी के आरपीएम देख रहे हैं तो तकरीबन 17,000 आरपीएम इसके हो रहे हैं। वैसे तो कोई भी नॉर्मल जीएमजी, 500 वाट की जीएमजी भी किसी भी फल का जूस निकाल सकती है, परंतु किसी भी जीएमजी की परफॉर्मेंस देखने के लिए यह देखना पड़ता है कि वह जीएमजी
किसी भी फल या सब्जी से जूस की मात्रा कैसी और कितनी निकाल पाती है, क्योंकि बहुत सारी जीएमजी मार्केट में ऐसी हैं कि वह जूस तो निकालती हैं, जितना जूस निकलना चाहिए उसका आधा हिस्सा भी नहीं निकाल पाती। और जूस की जो क्वालिटी होती है वह तरल फॉर्म में ना होकर सांद्र हो जाती है। तो पहले हैवल्स की मिक्सी से 500 ग्राम चुकंदर लेकर हम जूस निकालते हैं। वेट मशीन में इस समय आप देख रहे हैं कि जीरो वेट हो रहा है। पांच सौ ग्राम चुकंदर हमारे पास हो चुकी हैं। और दोस्तों बहुत ही अच्छा सा बहुत ही प्यारा सा जूस निकल कर आया है, और इसका अब हम वेट करके देखेंगे। ये जो कांच का गिलास आप मेरे पास देख रहे हैं, इतने ही वजन का एक दूसरा गिलास है। इसको यहाँ पर रखकर पहले टेयर जीरो कर लेता हूँ, और अब जो वजन आएगा वह केवल जूस की मात्रा हमारे सामने निकल कर आएगी। और 286 ग्राम आधा किलो चुकंदर से इसने जूस निकाला है, और अब आधा किलो चुकंदर का जूस इस मशीन से भी निकाल कर देखते हैं। पहले इस गिलास को रखकर टेयर जीरो कर लेते हैं, और अब इस जूस की मात्रा हमें पता चलेगी। आधा किलो चुकंदर से 320 ग्राम जूस निकाला है, यानी 500 ग्राम चुकंदर से सुजाता की मशीन ने 34-35 ग्राम अधिक जूस निकाल कर दिया है। और आज समझ में आया कि जूस वालों की पहली पसंद सुजाता क्यों है। अब हम 250 ग्राम हल्दी लेंगे और दोनों मिक्सी से उसको भी पीस कर देखेंगे, और पिसाई करते समय दोनों मिक्सियां कितना लोड लेंगी, कितने यूनिट का यूज करेगी और कितना समय लगेगा। तो पहले हैवल्स की मिक्सी से हम एक पाव हल्दी को पीस कर देखेंगे। प्लेट रखकर टेयर जीरो कर लेते हैं। 250 ग्राम साबुत हल्दी हमने ले ली है, और इसमें से आधी मात्रा पहले हम इस जार में ले लेते हैं। मीटर में इस समय यूनिट देखना हमें जरूरी है, 155.31 यूनिट हो रही है। इस हल्दी को पीसने के बाद भी देखेंगे कि कितने यूनिट हमारी लगी है। स्टॉप वॉच को भी स्टार्ट कर लेते हैं। जो आधी बची हुई मात्रा है इसको भी इसमें हम डाल लेते हैं। समय लोड यदि देख रहे हैं तो तकरीबन 600 वाट का लोड यह मिक्सी ले रही है। तीन मिनट 30 सेकंड, 3.5 मिनट हमने इस मशीन को चलाया है, और यूनिट इस समय यदि आप देख रहे होंगे मीटर में तो 155.34 यूनिट है। 155.31 यूनिट पर हमने इसको चलाया था, यानी 0.03 यूनिट का हमारा कंजप्शन हुआ है। पिसाई तो लगता है कि ठीक हुई है। इसको और बारीक पिसाई करने के लिए आप मिक्सी को बीच में एक दो बार रोककर चम्मच या चाकू से इसको मिक्स करके दोबारा से मिक्सी को चलाएं। हम छान कर देखेंगे कि शुद्ध मात्रा कितनी निकलेगी। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि 232 ग्राम यहाँ वजन हल्दी का हुआ है। हल्दी की कुछ थोड़ी मात्रा ढक्कन पर है और कुछ मात्रा जार में लगी हुई है, पूरा सफाई हम नहीं कर सके। वेस्टेज बहुत ज़्यादा नहीं निकला, यह थोड़ा बहुत वेस्टेज है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज इसमें से नहीं है। और अब सुजाता की मिक्सी को भी देख लेते हैं। दो सौ पचास ग्राम साबुत हल्दी ले ली गई है, और इसकी आधी मात्रा हम सुजाता मिक्सी के जार में डाल लेते हैं। ढक्कन को अच्छे से टाइट करना है। मीटर में यदि यूनिट इस समय देख रहे हैं तो 155.34 यूनिट हो रही है। स्टॉप वॉच को चालू कर देते हैं।
मशीन को भी चला देते हैं। बाकी आधी बची हुई हल्दी भी इसमें डाल देते हैं। तो 490 यानी 500 वाट का लोड इस समय मान सकते हैं। साढ़े तीन मिनट तक ही इस मशीन को भी चलाया है और यूनिट इस समय हम देख रहे हैं कि 155.36 यूनिट मीटर में हो रही है, यानी 0.02 यूनिट का इसने यूज किया है। वेट मशीन को टेयर जीरो कर लेते हैं। कोई खास वेस्टेज नहीं निकला है। और दोस्तों, जैसा कि आपने हैवल्स 1000 वाट और सुजाता 900 वाट दोनों का तुलनात्मक अध्ययन और परफॉर्मेंस को देखा, तो पाया कि हैवल्स ने टक्कर तो जरूर दी है, लेकिन आपने जो टेस्टिंग इन मिक्सियों पर देखी, इन टेस्टिंग में छोटी मिक्सी पास नहीं होती। छोटी मिक्सी के साथ आप इस तरीके से साबुत हल्दी पीसने की कोशिश मत करना। यदि हल्दी पीसना भी है तो इन बड़ी गांठ को छोटे छोटे पीस करने के बाद ही हल्दी पीसने की कोशिश करें, अन्यथा छोटी मिक्सी से हल्दी पीसने से आप बचें। क्योंकि आपने देखा कि जिस समय हल्दी पीस रही थी तो दोनों ही मिक्सी 500-600 वाट लोड ले रही थी, और जो छोटी मिक्सी होती है उनके जो मोटर होते हैं वह 400-500 वाट के मोटर होते हैं, और 500 वाट पर वह बर्न हो जाएंगे, मिक्सी आपकी खराब हो जाएगी। तो कुल मिलाकर यह दोनों मिक्सी हैवी लोड चलाने में, हैवी ड्यूटी के लिए सक्षम हैं। और यदि परफॉर्मेंस और कीमत की तुलना की जाए तो मैं सुजाता की मिक्सी को सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इस समय मार्केट में सुजाता की मिक्सी आपको 5000 की मिलती है और हैवल्स की मिक्सी 6000 की मिलती है। लेकिन यदि आप हैवल्स लेना चाहें तो हैवल्स भी बेहतर है। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। यदि आप इनको परचेज करना चाहते हैं तो हमारे लिंक से जाकर आप परचेज करें। आपका कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लगना, हमको कुछ आर्थिक मदद हो जाती है। और दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इस प्रकार की वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत और एफर्ट लगता है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कर देना, और आपको इनमें कौन सी मिक्सी अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।